रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिवपुरी से खबर आ रही है, जहां सुल्तानगढ़ जलप्रपात हादसे में आपको बता दें पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने शव को लात मारी है, तो लात मारकर शव को स्ट्रेचर से नीचे उतारा गया है। जलप्रपात से शवों को निकालने के बाद अपमान किया गया है। तो शिवपुरी के सुल्तानगढ़ से इस वक्त की खबर, जहां जलप्रपात हादसे में आपको बता दें पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है और पुलिस कर्मियों ने शव को लात मारी है और लात मारकर शव को स्ट्रेचर से नीचे उतारा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी योगेंद्र जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, यहां पुलिस कर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, क्या कुछ अपडेट्स? जी, ये वीडियो अभी अभी वायरल हुआ है और जब हम लोग वहां थे तब इस तरह की कोई बात वहां पे चर्चा में नहीं आई थी, लेकिन किसी ने ये वीडियो बना करके वायरल किया और अब ये सामने आया है कि एक पुलिसकर्मी ने स्ट्रेचर पर जब सबको ऊपर ले आए थे तो स्ट्रेचर से उतारने के लिए पैर से स्ट्रेचर को धक्का दिया था, उसके बाद सबको पलटा था और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अमानवीय चेहरा है। और जहाँ ऐसा माहौल था, जहाँ परिजन भी मौजूद थे सारे और काफी लोग वहां पे मौजूद थे और जो माहौल वहां पर था गमगीन, उसमें इस तरह का होना निश्चित रूप से अमानवीय चेहरा है और बहुत इसकी निंदा की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यह पुलिसकर्मी शव को लात मार रहा है। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पुलिसकर्मियों का क्या कहना इस पूरे मामले में? जी, अभी चूंकि वहां से सब लोग जा चुके हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें थी जो रेस्क्यू में लगी हुई थी शवों को निकालने के लिए, वो वहां से जा चुकी हैं, इसलिए अभी तक ये भी मालूम नहीं पड़ पाया है कि ये पुलिसकर्मी कौन है और ऐसा क्यों हुआ और इसका विरोध वहां पे क्यों नहीं हुआ। जी, आयोग जानना चाहेंगे ये वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, उसके बाद किसी की प्रतिक्रिया सामने आई? जी, अभी तक अधिकारियों से हमारी बात नहीं हुई, एसपी से बात हमने की थी तो वो बाहर हैं और अभी मिल नहीं पाएंगे उनसे, हम बाइक करते और बात करते, लेकिन कुछ भी अभी संभव नहीं है चूंकि छुट्टियां हैं आज और कल, और जब अधिकारी से किसी से बात होगी तभी ये साबित हो पाएगा कि ये आदमी कौन है और इसने ऐसा क्यों किया। जी, योगेंद्र जानना चाहेंगे ये जलप्रपात जो भी पूरा ये हादसा हुआ है इसमें क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं, फिलहाल कितने शवों की शिनाख्त कर ली गई है? जी, अभी टोटल जो 9 मिसिंग कंप्लेंट थाने में दर्ज हुई थी परिजनों के द्वारा, वो 9 के 9 शव निकाल लिए गए हैं और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां से रवाना हो चुकी है। जी, और वहां पे जो मौजूद लोग हैं वीडियो के बाद, वहां लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी, अभी हमारी लोगों से बात नहीं हो पाई क्योंकि अभी वायरल हुआ है, किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, वायरल किया था, इसलिए अभी किसी से बात नहीं हो पाई और इस वक्त वहां पर कोई है भी नहीं। जी बिल्कुल, तो शिवपुरी के सुल्तानगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने निकल कर आया है। पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से शव को लात मार रहे हैं और लात मारकर शव को स्ट्रेचर से नीचे उतारा गया है। तो जलप्रपात से शवों को निकालने के बाद ये अपमान किया गया है। तो जो 9 शव थे फिलहाल उनकी शिनाख्त हो गई है, जो मिसिंग शव थे उनकी शिनाख्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शिवपुरी के सुल्तानगढ़ से इस वक्त की खबर, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा इस सामने आया है। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब ये वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिसकर्मियों की तरफ से क्या रुख सामने आ सकता है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। शिवपुरी के सुल्तानगढ़ से ये खबर, जहां जलप्रपात हादसे में आपको बता दें पुलिस का ये अमानवीय चेहरा, तो लात मारकर शव को स्ट्रेचर से नीचे उतारा गया, जलप्रपात से शवों को निकालने के बाद यह अपमान किया गया है।